morning everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well. और अभी सुबह का 7 बज रहा है, आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी निकलना है और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे तो मुझे जल्दी सब चीज करना है, इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, इसलिए मुँह का हालत ऐसा है। होलिया ठीक नहीं की, ब्लॉग स्टार्ट की हूँ आप लोगों के लिए कि सुबह सुबह आज कितना जल्दी मैं उठ गई हूँ। 6:30 के करीब उठी थी और भी 7:45 हो रहा है, तो चाय वाय बना लो थोड़ा सा क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है जल्दी। चलो और क्या, और आज वेदर थोड़ा सा अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि कल बारिश हुई रात को, पूरी आधी रात तक बारिश हुई दोपहर को। आप अगर मेरा परसों का ब्लॉग देखे होंगे तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को कितना बारिश हो रही थी। 11 बजे से कंटिन्यूस बारिश हुआ आधी रात तक, तो माहौल वेदर बेहद अच्छा है यार। चलो चाय वाय बना लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले आज मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया है क्योंकि कल सारा बर्तन लोड करके रखी थी मैं, तो रात को नहीं चलाई डिश वॉशर, तो सोचे चलो अभी ऑन कर देते हैं। और 2 कप और बाकी रह गया, तो मैं कप ना इसीलिए धो लेती हूँ ना क्योंकि रात भर यहीं पे रहता है, तो कुछ ऊपर से चल जाए या कुछ हो तो पता नहीं ना चलता है, इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कप सब धो के ही फिर चाय उसमें सर्व करती हूँ। और चाय इंजॉय करने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी ब्रेकफास्ट का तैयारी करना है, तो फटाफट सिंपल वाली जो ब्रेकफास्ट बन जाती है वही वाला मैं बना रही हूँ। इज़ रेसिपी है, बहुत इजी है, मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल मयंक उठ चुका है और वो उठने के बाद थोड़ी सी पैम्परिंग मांगता है हमसे, तो थोड़ी सी पैम्पर कर रही हूँ मैं उसको, और उसके और अभी तो टाइम है कि उसको थोड़ा सा पैम्पर करूँ, थोड़ा सा प्यार करूँ। देखते ही देखते बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। जब मैंने ब्लॉग शुरू किए थे, शुरू का ब्लॉग में मयंक का जब वीडियो देखती हूँ तो बहुत ही छोटा सा था और कितना जल्दी कितना बड़ा हो गया। एनीवेज चलिए, यहाँ पे आलू मैंने चॉप कर लिया, लंबे लंबे कट कर लिया, और प्याज को भी मैं इसी तरह से जुलियंस में कट कर लूँगी। तो ये आलू प्याज का एक भाजी टाइप का मैं बना रही हूँ और साइड में मैं दाल चढ़ा के रखी हूँ ताकि दाल भी बन जाए उसके साथ, तो रोटी के साथ सूखा ना लगे, तो दाल एक भाजी हो जाएगा रोटी के साथ। तो बस चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा मेरा, तो इसीलिए प्याज को मैं 3-1 प्याज ले चुकी हूँ, फटाफट से प्याज चॉप कर लूँगी। और ये 15 मिनट में बन जाती है ये ब्रेकफास्ट, 15 से 20 मिनट तक बन जाती है ब्रेकफास्ट। तो कढ़ाई लिया है मैंने, कढ़ाई में दिया है मास्टर ऑयल थोड़ी सी गर्म हो गया तो मैं डाली हूँ उसमें ज़ीरा ऐड ऑन किया, और ज़ीरा ऐड ऑन करने के बाद साथ साथ ही ज़ीरा थोड़ी सी फ्लैटर हो गया तो मैंने जो आलू कट करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिया। 5-1 मिनट ढक्कन लगा के मैंने पका लिया है, तो देखिए थोड़ा सा फुल फ्लेम में मैंने पका लिया 5-1 मिनट, तो
जो रस्टिंग इफ़ेक्ट होती है ना वो आ गई, और उसके बाद ही मैंने साथ ही साथ प्याज और नमक थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया इसमें। और प्याज और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी कलरफुल लगे देखने में, एकदम फीका ना लगे। थोड़ी सी कलरफुल लगने से क्या होता है ना, बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं तो थोड़ा सा कलरफुल लगता है ना, तो अच्छा लगता है, तो खाने में आनाकानी नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं इसी तरह से ही बना रही हूँ, और स्लो फ्लेम में ढक्कन लगा के इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी। बीच बीच में ढक्कन हटा के थोड़ा सा स्टर दे दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो पोटैटो है ये चिपकेगा नहीं। तो बस इसीलिए बीच बीच में ढक्कन हटा के इसको थोड़ी सी मैंने स्टर दे दिया, और थोड़ी सी मसाले और डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाली, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ी बहुत और कलरफुल लगे। तो बस इसको स्टर देने के बाद ढक्कन लगा के अब इसको तब तक पकाइएगा जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब पोटैटो थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद ही मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें, मैं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। तो बस नहीं तो आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ। और लास्टली मैं इसको फिनिश करूँगी धनिया की पत्ती के साथ, और धनिया की पत्ती फ्रेशली मेरे पास था, थोड़ी बहुत ही थी तो मैं वही ऐड कर दिया। और ये देखिए आलू गल चुका है, तो मेरा ये रेडी हो चुका है। फटाफट मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँगी। मैंने एक अंडा फ्राई कर लिया था, और उसके साथ पोटैटो फ्राई मैंने ऐड ऑन किया, और उसके साथ रोटी। दाल मैंने अलग से दिया था, प्लेट में जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो चलिए फटाफट हस्बैंड को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ, उसके बाद वो निकलेंगे। कुछ भी नहीं हुआ सुबह से, इतना हरी भरी थी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया है, और अब तो देखे हो, और उसके बाद चलो मैं ऊपर चलती हूँ। अभी माइंड को भी ब्रेकफास्ट कराना है, उसको थोड़ा सा स्टडी में हेल्प कराना है, क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ है, कल रात को अधूरा छोड़ दिया था। मेरा हालत एकदम खराब हो गया, ये सब भी ठीक ठाक करूँ, फ्रेशन अप हो। और इस टाइम तक मैंने और मयंक ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मैं बैठ गई थी उसको स्टडीज़ में थोड़ा सा हेल्प कराने के लिए। और मैं कराती हूँ उसका, थोड़ा स्टडीज़ देख लेती हूँ, उसका जितना होमवर्क वगैरह था, मतलब समर हॉलीडेज़ का होमवर्क कुछ थोड़ा बहुत बाकी था, वो ही मैं करवाने के लिए बैठ गई, क्योंकि अभी लंच करने में हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम है। और किचन वगैरह भी मैंने कुछ साफ़ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, मैं सीधा बैठ गई उसको लेके, क्योंकि उसको भी मतलब पढ़ाना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। और बस उसका पढ़ाई हो चुका है, तो लगे हाथ मैं सोची कि चलो किचन बाद में क्लीन कर लूँगी, पहले रूम को ठीक ठाक कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह से ना रूम क्लीन करने का मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पे रूम थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ मैं, नहीं तो रूम ऐसे ही गंदा का गंदा पड़ा रहेगा, और 2 बजे तक एटलीस्ट बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो यही सोच के मैंने सोचा चलो आगे फटाफट ये काम निपटा लेती हूँ। हम हाउस वाइफ्स का यही होता है ना कि आगे ये काम निपटा लेते हैं तो बाद में वो काम निपटा लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन काम तो काम का टाइम पे ही होते रहता है। एनीवेज तो मैं यहाँ पे जितना कपड़े वगैरह था ना, ये 3 से 4 दिन का कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ था, इसके साथ गंदे कपड़े भी मिक्स्ड हो गए थे, तो मिक्स एंड मैच हो गए थे। तो मैंने सोचा नहीं चलो इसको अब मुझे ठीक करना ही पड़ेगा बोल के मैं आए दिन, आप लोग अगर पुराने हो मेरे ब्लॉग देखते हो, मतलब पुराने व्यूअर्स हो तो जानते ही होंगे कि ये वाला जगह जो है आए दिन मेरा भर जाता है, क्योंकि मैं जितना सारा कपड़ा सुखाती हूँ यहीं पे ला के रखती हूँ फाइनली, और उसके बाद जब टाइम मिलता है मुझे तब जाके मैं उसको साफ करती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी यहाँ पे, और ये वाला जो जगह है इसको भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी, ताकि ये ना बहुत मेरा किचन का हाल देखो,
क्या डिजास्टर हो गया, इसको सारा मुझे भी क्लीन करना है। और मैंने आज अमेजोन से ना एक बहुत सुबह सुबह आ गई अमेजोन से, और अमेजोन से ना एक बहुत अच्छा चीज मैं मंगाई हूँ। ये देखो, ये वाला स्टैंड मैं मंगाई थी क्योंकि मुझे इसका जरूरत था, और ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने देखा कि ये स्टैंड है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको ऑर्डर करके मंगा लिया। सस्ती डील मिल गई तो मैंने सोचा कि चलो मंगा लेते हैं। और क्या, चलो मैं किचन वगैरह पहले क्लीन कर लूं, और क्लीन करने के बाद फ्रेशन हो जाऊं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है। एक्चुअली अभी 10:30 के ऊपर हो रहा है, मैं इनको पढ़ा रही थी ना, तो थोड़ा सा टाइम लग गया वहां पे। चलो कर लूं क्लीन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुबह का सारा काम निपटाते हुए अभी आफ्टरनून हो चुका है, मतलब 12 बज चुके हैं। और मैं सोच रही हूँ ना कि चलो पहले यहाँ पे डोर क्लोज किया जाए। एक्चुअली इतना सारा सुबह से काम था ना मेरा, सारा काम निपटाते हुए ना 12 बज ही जाता है। एक्चुअली उसके बाद लंच भी बनाना पड़ता है, और आज मुझे इतना सा भी रेस्ट नहीं मिला है। उसका रीज़न एक ही है कि आज सुबह में शेखर जी को जल्दी निकलना था, ब्रेकफास्ट बनाई, मैं को पढ़ाते हुए थोड़ी सी टाइम वहाँ पे चला गया, और उसके बाद मैं घर का सारा काम निपटाई हूँ। घर साफ सफाई जो होता है, डस्टिंग वगैरह का जो काम होता है वो निपटाई हूँ। और उसके बाद अच्छा पीछे ना ये डिजास्टर थोड़ा सा ये मैं नहीं कर पाई हूँ। चलो अभी ना लंच बनाने के लिए मैं आ जा गई हूँ किचन में। मैं आज फिश करी बनाऊंगी। चलो बाहर जाके बात करूँ, यहाँ ना बहुत गर्मी है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है यार। आप कल इतना बारिश हुआ, सुबह से वेदर इतनी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी अभी पसीना, मैं फ्रेश होके आई हूँ और मतलब पूजा वूजा कर लिया मैंने, फिर भी इतना पसीना हो रहा है। एनीवेज चलो आज ना मेरा एक्चुअली आज मन है कि बहुत अच्छा एक फिश करी बनाऊंगी। वेस्ट बंगाल में ये वाली फिश करी बहुत फेमस है, मेरी मम्मी बनाती थी एक्चुअली, सच बताऊँ, और पापा को भी बहुत पसंद थी, क्योंकि मेरे घर में मतलब पापा को बंगाली फूड्स बहुत पसंद थे, तो कभी कभी मम्मी ये वाली फिश करी बना देती थी। और ये बहुत हेल्दी भी है, लो मतलब कोलेस्ट्रॉल, लो ऑयल, लो फैट वाली है। ज़्यादा यहाँ पे ऑयल मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। जो लोग डाइट पे है ना, वो लोग ये फिश करी जरूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसाला को भून के ये नहीं बनाना है, नॉर्मली बन जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, और चावल के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं चलती हूँ किचन में और फिश करी का तैयारी करती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया रूहू फिश, और इसको हम करेंगे मैरिनेट। और मैरिनेशन में डाली हूँ सिंपल सी हल्दी और नमक, और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 1 स्पून के करीब, मतलब जो चाय की चम्मच होता है ना टीस्पून, वही टीस्पून के करीब बस। और कुछ भी आपको नहीं करना है, ये बस मैरिनेट करके अच्छे से इसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, और ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये मैरिनेशन अच्छे से सेट हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे एक ग्रेवी बेस का तैयारी कर लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, प्याज मैंने 3-4 लिया है, 2 लिया है उसको कट किया, और टमाटो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मैंने 4 टमाटो, छोटे साइज़ के टमाटो थे तो 4 लिए, अब बड़े साइज़ के होगा तो आप 2 ले सकते हैं। इसमें हरी मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, बाय द वे ये ऑप्शनल है, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया इसमें, और उसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी मीट मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाय द वे ये मीट मसाला होममेड है, मैं बना के रखी थी मसाला तो वही मैं इस्तेमाल किया। थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर डाला और कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में नमक मैंने ऐड किया है, और बस और कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया, और बहुत अच्छा एक पेस्ट मैंने बना लिया है।
मीनवाइल मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल। ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी गर्म होने के लिए मैंने छोड़ा है और ऑयल ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। और इसमें मैंने ऐड ऑन किया थोड़ी सी ज़ीरा और उसके साथ जो मसाला बेस मैंने बना के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। इसमें ढक्कन लगा के 5-1 मिनट इसको पका लेंगे। थोड़ी सी उबाल आने लगा है तो रिंस करके पानी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाला नहीं तो वेस्टेज हो जाती। तो बस इसको अच्छे से स्टर दे दीजिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड किया और ढक्कन लगा के उबाल आने तक पकाया मैंने। उबाल आ गया, देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। ज़्यादा थिक ग्रेवी इसका नहीं होता है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटो। अच्छा, आप पोटैटो आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। लेकिन फ़िश करी में पोटैटो ऐड करने से बहुत टेस्टी लगते हैं और फ़िश को फ्राई नहीं करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी आमचूर के पाउडर, और आमचूर पाउडर ऐड करने से ना थोड़ी सी खट्टी मीठी टेस्ट आ जाती है और थोड़ी सी जो अचार होती है ना उस टाइप का टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली चावल के साथ जब आप इसका टेस्ट करोगे ना तो वो जो खट्टी मीठी टेस्ट होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस मीठा के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड किया है, एकदम जरा सी, ताकि ये जो खट्टा है वो बैलेंस हो जाए। टमाटो आमचूर पाउडर दोनों ही है इसीलिए। और ढक्कन लगा के 10-1 मिनट मैंने पका लिया है। और पोटैटो जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक आपको पकाना है इसको। तो ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं, ये देखिए थोड़ी बहुत अभी भी कसर बाकी है। तो बस अब कुछ भी आपको नहीं करना है। मैं जहाँ से देख रही हूँ पोटैटो अभी तक भी उस तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक स्टर दे दिया। अब ढक्कन लगा के तब तक पकाइए स्लो फ्लेम में जब तक पोटैटो सॉफ्ट ना हो जाए। बस एक बार पोटैटो सॉफ्ट हो गया तो आपका ग्रेवी भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 15-20 मिनट तक पका लिया ढक्कन लगा के। तब तक पोटैटो भी मेरा देखिए इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ तो टूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गल चुका है। अब मैं इसमें फ़िश जो मैं मैरिनेट करके रखी थी ना उसको ऐड करना है। इसको फ्राई नहीं किया मैंने, मैं बोली थी ना लो ऑयल वाला बनती है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। इसको 5-1 मिनट फिर ढक्कन लगा के आप पका लीजिए तो फ़िश तो जल्दी ही पक जाती है, बहुत ही जल्दी। आप अगर गर्म पानी में भी फ़िश रखोगे तो वो पक जाती है। तो बस थोड़ी सी पानी ऐड किया मैंने और सारे फ़िश पूरा तरी के अंदर तक डूब जाए इतना तक आपको पानी ऐड करना है। बस ढक्कन लगा के पका ले रही हूँ मैं। उसके बीच में मैंने ढक्कन खोल के थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड किया, ये ऑप्शनल है। ये बहुत अच्छी खुशबू आती है इसका, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। तो बस हरी मिर्च ऐड कर दिया और उसके बाद 15 मिनट मैंने स्लो फ्लेम में इसको पका लिया है। ये फ़िश ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रेडी हो चुका है फ़िश, और फ़िश पूरी तरह से पक चुका है। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ फिनिश करना है धनिया की पत्ती के साथ। तो बस चलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, और ये बहुत ही अच्छी लगती है देखने में कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद। इसको थोड़ी सी स्टर दे देना है क्योंकि कोरिएंडर लीव्स ऊपर ही रह जाएगा, इसका स्वाद अंदर तक नहीं जाएगा। तो हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ी सी स्टर दे दिया और ये डन हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको ढक्कन लगा के 5-1 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सर्व किया है फ़िश करी और उसके साथ चावल। और ये चावल मैंने पका लिया था पहले ही, और बस बहुत अच्छा लंच था। और लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो बस किचन एवरी डे बेसिस में इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ गैस स्टोव को, और साइड वाई जो टाली वगैरह लगा हुआ है ना वहाँ छींटे आ जाते हैं, तो बस मैं पूरा साफ़ करती हूँ। एवरी डे का रूटीन है ये। मुझे कोई सवाल किया था कि आप क्या गैस स्टोव एवरी डे साफ़ करते हो, तो जी हाँ मैं करती हूँ। और ये जो ब्लैक वाला है ना वो स्पॉट है, वो नहीं छूटता है जी, मैं क्या करूं। तो घिस घिस के एवरीडे मेरा यही रूटीन है कि घिस घिस के साफ करूं।
इससे क्या होता है ना, किचन नीट एंड क्लीन भी रहती है और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। जब शाम को चाय बनाने के लिए किचन में आओ तो बस किचन एक साफ सुथरा, एक देखने को भी अच्छा लगता है, मतलब आँखों को थोड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना किचन नीट एंड क्लीन रखूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद भी इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो लोग तो देखे ही होंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद भी मैं इसी तरह से ही किचन एक बार साफ़ कर देती हूँ, ताकि लंच बनाने जब आऊँ तो किचन मुझे पूरा क्लीन मिले, गंदा ना मिले। और लंच के बाद भी मैं किचन इसी तरह से साफ़ करती हूँ एवरी डे, ताकि किचन जब शाम को मैं किचन में आऊँ किचन एकदम साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन मिले। दोपहर का सारा काम निपटा चुकी हूँ मैं, किचन वगैरह क्लीन हो गया है, लंच में सब हम लोग कर ही चुके हैं। और ये डिजास्टर के पीछे मत जाइए, ये थोड़ा कपड़ा मैं रखी हूँ, इसको मैं अभी वॉश करने के लिए लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी। अभी 4 बजने जा रहे हैं और मेरा किचन एकदम ठीक ठाक। मैं दिखाऊं, ये देखो। अच्छा, ये जो है ना, इसके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं कि दी ये जो है इसको अब क्लीन कर लो मैम, इसको क्लीन कर लो। तो गाइस ये क्लीन नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये 40-50 साल से ऐसा ही है, जब से मेरा शादी हुआ है ना तब से ऐसा ही है। बहुत क्लीन करने का कोशिश की हूँ लेकिन नहीं हुआ है, वो तो मेरा फॉल्ट है नहीं। एनीवेज चलो यहाँ पे आज ना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है ना सुबह से। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि सब कोई रेस्ट कर रहा है अपना अपना लंच वंच करके। लंच बहुत तारीफ किया सब कोई, ऐसा होगा ना तो आप लोग घर पे ना एक बार ये वाली लंच बना के जरूर देखो, बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज चलो आज का ब्लॉग ये वाली लंच के साथ, और हाँ ब्रेकफास्ट का रेसिपी भी बनाने मत भूलिएगा, झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आप पराठा के साथ भी ट्राई कर सकते हो, बेहद खूबसूरत, मतलब बेहद टेस्टी लगता है खाने में। चलो बहुत बातें शाते हो गई है, अभी मैं अभी ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो चलिए इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब व्हिच इज जस्ट फॉर इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।